आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी खबर आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ मतगणना कार्य। बिहार विधान परिषद चुनाव 2022 में कांटे की टक्कर में एनडीए के जदयू प्रत्याशी विजय कुमार सिंह ने 2114 मत लाकर मारी बाजी। समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर वो अबीर गुलाल लगाकर दी बधाई। आपको बता दें कि भागलपुर सब बांका स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र 21 के एमएलसी चुनाव के लिए आज पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में सुबह से ही गिनती शुरू हो गई थी, जिसमें 14 टेबल पर वोटों की गिनती की गई। वहीं वरीयता के आधार पर मतदान का कार्य संपन्न हुआ। बता दें कि एनडीए से जदयू के प्रत्याशी विजय कुमार सिंह, महागठबंधन से सीपीआई के उम्मीदवार संजय कुमार के अलावा 5 निर्दलीय प्रत्याशी सिंपल देवी, गुलशन कुमार, विजय कुमार, देवाशीष कुमार और चिरंजीवी राय के बीच कांटे की टक्कर थी। इस कांटे की टक्कर में एनडीए के जदयू प्रत्याशी विजय कुमार सिंह ने करीब 500 मतों से मारी बाजी। वहीं संजय कुमार दूसरे स्थान पर और सिंपल देवी तीसरे स्थान पर रही। बता दें कि पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना कार्य संपन्न हुआ। वहीं एमएलसी प्रत्याशी विजय कुमार सिंह के समर्थकों ने जीत की खुशी पर फूल माला पहनाकर एवं अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी। वहीं समर्थकों में काफी उत्साह था। विजय कुमार सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, स्वास्थ्य, शिक्षा, साफ सफाई के अलावा कई क्षेत्रों में विकास का कार्य करूंगा। वहीं डीएम सुब्रत कुमार सेन ने विजयी प्रत्याशी विजय कुमार सिंह को विजयी घोषित किया। क्या है, बिल्कुल अच्छा रहा है। किसको श्रेय देते हैं सर? विजय के लिए श्रेय देते हैं। आराम से, आराम से। नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का भरोसा, विश्वास और जनप्रतिनिधियों का मेरे प्रति जो आस्था था, उसका मैं उनको प्रणाम करता हूं कि उनके द्वारा इतनी अच्छी मेजोरिटी मुझे दी गई है और प्रथम राउंड से ही उन्होंने मुझे आगे रखा और हर एक राउंड में मैं ही जीतता चला गया। कितने वोटों से जीते? अब तो वो अंतिम अभी काउंटिंग जारी है। प्राथमिकता क्या रहेगी सर? मुझे लग रहा है 3500 से 4000 के बीच में मुझे। क्या प्राथमिकता रहेगी सर? विकास करना, भागलपुर और बांका के विकास में अपना पूरी सहयोग करना। भागलपुर से श्याम सिंह की खास रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप बने रहें लोकल टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।